वर्तमान क्षण में रहने के फायदे। हमें हमेशा वर्तमान क्षण में रहना चाहिए। जीवन एक ढलान है। जब तक आप ऊपर जा रहे हैं, आप हमेशा शीर्ष की ओर देखते हैं और आपको खुशी महसूस होती है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो अचानक आप नीचे की ओर जाने वाली सड़क और उसके अंत में मौत को देखने लगते हैं। ऊपर जाना हमेशा धीमा होता है और नीचे उतरना तेज होता है। सांस लेना, सोना, खाना पीना, सपने देखना, हम हर दिन जो कुछ भी करते हैं वो दरअसल मरना है। वास्तव में जीना ही मरना है। हम सभी एक यात्री हैं और यात्रा सपनों की तरह एक द्वार है जो वास्तविक दुनिया से एक ऐसी दुनिया में खुलता है जिसे भी खोजा जाना बाकी है। हम सब यात्री ही तो हैं जो जीवन में मिलते हैं और इसे जीने लायक बनाते हैं। हमारी स्मृति ब्रह्मांड से भी अधिक परिपूर्ण है। यह उन लोगों को जीवन देती है जो अब अस्तित्व में नहीं है। हम हर क्षण मर रहे हैं और ऐसे निरर्थक जीवन को एक ही चीज़ है जो अर्थ देती है, वो है प्रेम, जिसका मतलब है शरीर, आत्मा, जीवन, पूरा अस्तित्व। प्रेम को वैसे ही महसूस किया जाना चाहिए जैसे हम अपने खून की गर्मी को महसूस करते हैं। जीवन की सुंदरता और अच्छाई एक ही चीज़ में मौजूद है, वो है प्रेम में। प्रेम के विचार की हर बुरी विचार से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक बीमार विचार शरीर को बुखार या किसी बीमारी से भी बुरी तरह से खा सकता है। बुरे विचारों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, वर्तमान में रहा जाए। हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि अतीत हमेशा हमें आकर्षित करता है, वर्तमान हमें भयभीत करता है। अंत में जिसे भविष्य कहते हैं वो मृत्यु होता है। कई वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने भी बाकी लोगों की तरह ही जिया, खाया, हंसा, प्यार किया, उम्मीदों की, और इसके बाद यह सब खत्म हो गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक जिंदगी कुछ दिन और फिर कुछ नहीं। आप पैदा होते हैं, आप बड़े होते हैं, आप खुश होते हैं, आप इंतजार करते हैं, फिर आप मर जाते हैं। पुरुष हो या महिला, आप इस धरती पर लौटेंगे, क्या इसकी कोई गारंटी है? फिर भी हम में से हर कोई अपने भीतर अनंत काल की तीव्र अवास्तविक लालसा रखता है। लेकिन सच तो यह है कि हम में से हर कोई जल्द ही नई जीवों के कूड़े के ढेर में पूरी तरह से गायब हो जाता है। पौधे, जानवर, इंसान, तारे, दुनिया, सब कुछ तेजी से बढ़ते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में खुद से और इस पृथ्वी से प्रेम करना चाहिए। एक उम्र के बाद तो हम अपनों से दूर हो ही जाते हैं ताकि हम जीवन को बेहतर बना सकें, लेकिन हम कई बार अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज़ों से भी दूर हो जाते हैं। हमें कई बार मालूम नहीं होता कि हम अपनी माँ से अनजाने में ही प्यार करते हैं, और यह एहसास तब हमें होता है कि यह प्यार कितना गहरा है जब हम उनसे अलग हो जाते हैं। खुद से प्रेम करें। सबसे पहले खुद से प्रेम करें, बाकी सब खुद व खुद हो जाएगा। जब आप दुनिया में प्रेम फैलाते हैं तो फैलता है और लोगों को छूता है तथा उन तरीकों से हम तक लौट कर आता है जिनको हमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। प्यार ही जीवन की असली पूंजी है। इसलिए जितना भी जिएं, वर्तमान में जिएं, क्योंकि भूतकाल में जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य में जो होगा उसे पाया नहीं जा सकता। इसलिए कुछ चीज़ें भगवान पर छोड़ें और हमेशा वर्तमान में जिएं और अच्छा करें और भगवान का ध्यान रखें, दूसरों का भला करें। इसी में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। यही हमारे वर्तमान का हर पल अच्छा और खुशी भरा क्षण होता है। धन्यवाद।